पानी के अंदर डिफेंस वॉल बनाने की खबर। ब्रिज के पास सबमर्ज वॉरशिप तैनात। ब्रिज के चारों तरफ हजारों सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से ये अगला बड़ा कदम जो उठाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मनीष जी हाँ बिल्कुल प्रतिमा, देखिए क्रीमिया ब्रिज पर मैं खुद भी कई बार जा चुका हूँ, वहाँ से टीवी 9 ने रिपोर्टिंग की है। और इस वक्त जबकि लगातार यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया ब्रिज को टारगेट किया जाता था, यहाँ तक कि रात में भी, आज की जो रात बीती है उस रात में भी यूक्रेन की तरफ से तीन तीन बार सी ड्रोन के जरिए हमले करने की कोशिश की गई। तो इसलिए रूस ने क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा अभूतपूर्व कर दी। अगर मैं ये कहूँ कि क्रेमलिन के बराबर की सुरक्षा क्रीमिया ब्रिज को दी गई है तो यह गलत नहीं होगा। क्रीमिया ब्रिज के दोनों तरफ वॉरशिप तैनात है, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, हजारों की संख्या में सीसीटीवी है, सैकड़ों सुरक्षा कर्मी है। इसके अलावा पानी के अंदर दो दो सबमर्ज वॉरशिप तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी सी ड्रोन आकर ब्रिज तक ना पहुंच सके। तो हर हालत में क्रीमिया ब्रिज को सुरक्षित रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन मनीष ये जो बड़ी तैयारी है ये क्या इंडिकेट कर रही है? राजेश सर ये क्या इंडिकेट कर रही है? मतलब इसके पहले भी इस ब्रिज को बचाने के लिए काफी सिक्योरिटी ली गई, की गई रूस की तरफ से, लेकिन ये तैयारी थोड़ी अभूतपूर्व लग रही है। कोई आपको लगता है बड़ा इनपुट है? जो यूक्रेन का जो इंटेंशन है कि क्रीमिया को वापस लेना है तो उसी स्ट्रेटजी पर वो काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि वो ज़ापोरिज़्या के पास रोबोटाइन में जो उनकी सप्लाई रूट है क्रीमिया को, जो मेन लैंड सप्लाई रूट है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये स्ट्रेटजी है कि इसको आइसोलेट किया जाए और क्रीमिया को फिर दोबारा से कैप्चर किया जाए, क्योंकि शुरू से ही ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि हम क्रीमिया भी वापस लेंगे। तो ये जो उनका क्लेम था काफी लोगों ने उसको बिलीव नहीं किया, उसको समझ नहीं पाए, पर उनकी कोशिश जारी है। अब अगर वो संभव है और उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं ये देखना है। कोशिश लगातार जारी है। लेकिन सर इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच लोगों के बीच पहुंच गए हैं पुतिन। टावर इलाके के तुर्गिनोवो गांव में पुतिन पहुंचे हैं। पुतिन ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है। पुतिन का लोगों से मिलने का वीडियो भी इस बीच सामने आया है, वो तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं। पुतिन का लोगों से मिलने का वीडियो भी सामने आया है जहां पर स्थानीय लोगों के बीच पुतिन पहुंच गए। तो युद्ध के बीच लोगों के बीच पुतिन पहुंच गए हैं। यूक्रेनी सैनिकों को मिसाइल से हमले की ट्रेनिंग की खबर भी सामने आ रही है। स्ट्रिंगर मिसाइल से हमले की ट्रेनिंग का वीडियो आपके सामने है। हेलीकॉप्टर को तबाह करना सिखाया जा रहा है और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमले की ट्रेनिंग का ये वीडियो आपके सामने है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर पर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जिस पर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। और देखिए रूस को नुकसान पर यूक्रेन का दावा सामने आया है। अब तक 2,64,000 रूसी जवान मारे गए युद्ध में, यह दावा है यूक्रेन का। रूस के 315 एयरक्राफ्ट तबाह किए, 8,000 रूसी टैंक उड़ाने का दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। बड़ा दावा है यूक्रेन की तरफ से इस युद्ध में रूस के नुकसान को लेकर, 2,64,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां वॉर जोन में लेपर्ड 2 टैंक के साथ दिखे यूक्रेनी जवान। जर्मनी से यूक्रेन को मिले हैं लेपर्ड 2 टैंक और उसकी एक और खेप भी मिली है। वॉर जोन में 24 लेपर्ड टैंकों की यूक्रेन ने तैनाती की है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लेपर्ड 2 टैंक की एक और खेप यूक्रेन को मिली है और 24 लेपर्ड टैंक की तैनाती वॉर जोन में हुई है।